आप बहुत यूपी की चिंता करते रहते हैं तो, और यूपी पर ही आपका फोकस रहता है, तो यूपी तय नहीं करेगा, क्योंकि यूपी आप कितना तय करेगा, यूपी के पास, बीजेपी के पास जो अभी सीटें हैं, 62 सीटें बीजेपी की और 10 सीटें बीएसपी की, 72 सीटें हैं। बीजेपी के पास 71 सीटें थी इसके पहले और बीएसपी की 0 थी, अगर मैं सही हूं तो। ये बिल्कुल ठीक है। और समाजवादी पार्टी की 5 थी, वो अब 3 रह गई हैं। तो समाजवादी पार्टी की कितनी प्रतिष्ठा है वो भी अब आपको पता चल गई कि आजमगढ़ और रामपुर में क्या हुआ। तो अगर आप समाजवादी पार्टी पर दाव लगा रहे हैं तो मत लगाइए, है ना? और अगर ये दाव लगा रहे हैं कि बीजेपी की और सीटें बढ़ जाएंगी तो वो भी मत लगाइए। अब बीजेपी की जितनी सीटें हैं उतनी रहेंगी। देखिए, 3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो गणित है, मैं यूपी को जानता नहीं, यहाँ जितने लोग हैं सब यूपी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक तो आंकड़ों का गणित बनाता हूँ। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजाब और छत्तीसगढ़, बाकी राज्य छोड़ दीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजाब और छत्तीसगढ़, यहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं और बहुत मजबूत सरकारें हैं। इन सब राज्यों की 182 सीटें होती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं, और महाराष्ट्र में शिवसेना में जो हुआ उसको लेकर काफी नाराजगी है। ये सीटें 102 बनती है, तो 182 और 102, 284 सीटें बनती हैं। ये तो गणित है। अब आप लोकसभा की कुल सीटें और इस गणित से देख लीजिए कि बाकी सीटें कितनी बचती हैं और सरकार बनाने के लिए किसको कितनी सीटें चाहिए, बाकी राज्य छोड़ दीजिए आप। एक गणित तो ये है। बुरी से बुरी हालत में कांग्रेस की 53 सीटें हैं आज, बहुत खराब हालत है कांग्रेस की। हम सब खत्म कर चुके हैं कांग्रेस को, उसके बावजूद 53 सीटें हैं। अब आप जितनी बढ़ाना चाहें बढ़ा लीजिए, कम कर लीजिए चाहें तो। और देश में इस वक्त मोदी सरकार को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। 2014 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले जबरदस्त नाराजगी। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आप भी बार बार बात करते हैं, सभी चैनल वाले बात करते हैं, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। आप 25 लाख लोग, 50 लाख लोग, 1 करोड़ लोगों को पकड़ लेंगे ईडी वाले, कितने लोगों को पकड़ेंगे आप बताइए? हाँ, जेलें तो कम पड़ जाएंगी ना, नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेगी पड़ेंगे। देश में कुल टैक्स देने वाले 5-6 करोड़ लोग हैं, 5-7 करोड़ हैं जो टैक्स देते हैं। तो जो टैक्स देते हैं उनका 25% को गिरफ्तार कर लीजिए आप, और क्या करेंगे? देश की जनता इस बार चुनाव लड़ने वाली है। आप अखिलेश यादव पर उम्मीद मत लगाइए। अभी तेजस्वी के बारे में बताया ना, तेजस्वी तो अखिलेश के बहुत बाद आए हैं राजनीति में, और उनकी प्रसिद्धि और अखिलेश यादव की प्रसिद्धि को देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भी बीजेपी को मिल जाए तो भी मेरा ऐसा मानना है कि देश में बीजेपी की हालत खराब है। पहली चीज तो यह है। योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं अमित शाह, और अमित शाह किसी और को लाना चाहते हैं, ये कोई गणित नहीं है। अब ये उत्तर प्रदेश में ही चलता है, संजय त्यागी का क्या हुआ और अखिलेश का क्या हुआ और क्या होगा। देश इस समय बहुत आगे बढ़ गया है संजय जी, और इस देश की जो राजनीति है वो जनता तय कर रही है और जनता बता नहीं रही है। 1977 में मुझे पता नहीं कि आपकी उम्र क्या रही होगी, पर मैं उसमें बहुत
नजदीक से पार्टिसिपेंट था। 1977 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंदिरा गांधी हटेगी, और कौन नेता होगा प्रधानमंत्री ये भी पता नहीं था। तो आप इस चीज की चिंता छोड़ दें कि विपक्षी दलों का क्या होगा, साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बिहार जैसा चमत्कार पूरे देश में किसी भी दिन हो जाएगा। आपने महीने भर पहले कल्पना नहीं की होगी कि ममता बनर्जी की ये हालत होगी, है ना? पर आपने ये भी नहीं कल्पना की होगी कि उत्तर बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार मिल जाएंगे और इतना बड़ा इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी।